मोदी जी कुर्सी पे बैठे, 15 दिन के भीतर डिसीजन हो गया, 7 की लिस्ट निकल गई, उस 7 में वो बनारस की प्रोडक्शन यूनिट भी शामिल थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 7 प्रोडक्शन यूनिट्स कॉर्पोरेट बनाने का निर्णय यूनियंस भी अभी कॉल नहीं दी, यूनियंस ने भी अभी आह्वान नहीं दिया, कोई नेता अभी वहां गया नहीं, लेकिन उन सारे यूनिट का जो कर्मचारी था, जो वर्कर था, अपनी पत्नी को लेके वो वर्कर, अपने बच्चों को लेके, अपने भाई बहन को, अपने बाप को, माँ को, जो भी परिवार के सदस्य थे, सबको लेके सड़क के ऊपर आ गया। 1 महीना लड़ाई लड़के उन्होंने मोदी को पीछे फेंका है, सरकार को निर्णय वापिस लेना पड़ा। यूनियन बाद में दखल दी, एम्प्लॉय पहले मैदान में आया और उसकी फैमिली उसके साथ आई। तो क्या हो रहा है, डिफेंस वालों को सरकार ने कहा चिंता क्यों करते हो, कॉर्पोरेट बना रहे हैं। उन्होंने कहा चिंता क्यों नहीं करें, आपने टेलीकॉम सेक्टर सरकार का था, आपने उसका इस देश के अंदर पब्लिक सेक्टर बनाने की बात की, कर्मचारियों ने विरोध किया और सरकार भी उस समय की बीजेपी की थी, उस जमाने में वाजपेयी जी के टाइम में, और कहा कि मुलाजिमों ने कहा नहीं हमें सरकारी कर्मचारी रहने दो, कॉर्पोरेट नहीं बनाओ। तो सरकार ने रिटन एग्रीमेंट किया, रिटन एग्रीमेंट थ्रू पार्लियामेंट अंडरस्टैंडिंग हुए कि आपके इस एक्ट को जब तक चेंज नहीं किया जाएगा आपको कभी निजीकरण नहीं करेंगे, आप पब्लिक सेक्टर के लिए राजी हो जाओ। और पब्लिक सेक्टर बनाया गया, उसको BSNL और MTNL की कॉर्पोरेशन बनी, इसलिए डिफेंस वाले कह पाए, रेलवे वाले कह पाए, जनाब उसका भी तो आपने कॉर्पोरेटाइजेशन किया था। और आज लगभग 54,300 के करीब मुलाजिमों को घर भेजने का आप निर्णय ले चुके हो, आप पूरे BSNL और MTNL को कंपटीशन में पीट डाले, उन्होंने 3G मांगा तब दिया नहीं प्राइवेट को दिया, जब उन्होंने 4G मांगा उनको नहीं दिया प्राइवेट को दिया, अब 5G आ गया तो भी BSNL और MTNL पीछे रह गया, आपका अपना सेक्टर आपने खुद पीट डाला, कंपटीशन में नहीं रहा और आज उस पूरे के पूरे सेक्टर को आप बेचने के कगार पे पहुंचे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप कॉर्पोरेट बनाओगे डिफेंस सेक्टर को तो फिर BSNL की तरह बेच नहीं डालोगे, हमने आंखें बंद नहीं की हुई, उन कर्मचारियों ने कहा। और इसलिए साथियों रेलवे के अंदर भी यही हालत है, 600 प्लेटफॉर्म है हमारे, 600 प्लेटफॉर्म में से 43 बेचे जा चुके हैं पिछले दौर के दौरान, हमारे 43 एयरपोर्ट है, उन 43 एयरपोर्ट में से 7 एयरपोर्ट ये बेच चुके हैं अपने मित्रों को, ये मित्रों आपको नहीं बोल रहे होते, जब ये मित्रों एड्रेस करते हैं अदानी अबानी टाटा बिरला दानिया गोइंका फिलिप्स बजाज सियानिया सिलवानिया विजय माल्या मेहुल चौकसी नीरव मोदी, आप 3 का नाम ले रहे हो कॉमरेड JP, 36 सरकार का आंकड़ा उठाइए जो पार्लियामेंट में दिया उन्होंने, पार्लियामेंट में सरकार ने खुद माना 36 ऑफ देम हैव रन अवे, 5 साल में ये 3-4 मशहूर नाम ही नहीं, 36 बड़े पूंजीपति इस देश में आपके सरकारी बैंकों का पैसा लेकर के भागे हैं, वो इस देश की जनता का पैसा है और जनता में आप भी शामिल हो। हम भूल जाए इस बात को कि आप कहते हैं इकोनॉमी रोबस्ट है और फिर आप 28,000 करोड़ रुपया RBI से ले लेते हो जबरदस्ती, आपके अपने लाए हुए उर्जित पटेल जिनका आप इस्तेमाल करते हैं उनको बताते तक नहीं और नोटबंदी घोषित कर देते हैं और बाद में उनको कहते हैं कि वो कहते हैं हाँ हाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई, अनाउंसमेंट से 1.5 घंटा पहले 3 लोग जिसमें उर्जित पटेल भी शामिल थे 3 लोगों की मीटिंग करके नोटबंदी घोषित कर दी, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, होम मिनिस्टर को नहीं पता और तो और RBI के गवर्नर को नहीं पता और नोटबंदी घोषित हो जाती है। नोटबंदी आप घोषित करते हैं तो किसने काम चलाया, आप लोगों ने देश की जनता की जो एंग्जाइटी थी
उस समय जो परेशानी थी आपने इस देश की जनता का साथ दिया। ऑफिसर्स परेशान हुए, एम्प्लॉइज परेशान हुए, मौतें हुई जो लाइनों में लगे, मौतें हुई जो अंदर से सेवाएं दे रहे थे, 180 लोग मर गए। आज तक एक आंसू नहीं टपका प्रधानमंत्री का। अभी पीएमसी बैंक का जो हाल हुआ है महाराष्ट्र का, वो चुनावी मुद्दा नहीं बना, चुनावी मुद्दा कुछ और ही रहा। इमोटिव इश्यूज चुनावी मुद्दा होते हैं क्योंकि वोट बटोरनी होती है और जो जनता के प्रश्न है वो कूड़े के दान में डाल दिए जाते हैं। आज कौन लोग सुसाइड किए हैं, कोई रिक्शे वाला या ठेले वाला नहीं किया। पीएमसी बैंक के फेलियर के बाद जिसका 80 लाख डिपॉजिट, 50 लाख डिपॉजिट, 90 लाख डिपॉजिट, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी वहां रखी थी, वो लोग मरे हैं, वो लोग सुसाइड करे हैं। वो जो अमेरिका से लौटी थी एक बहन, वो मरी है। वो जेट एयर वाला जो पुराना उसके अंदर बिजनेस में था, वो मरा है। एक यंग बॉय पायलियर इंजीनियर मरा है। कौन लोग मर रहे हैं आज? जब ये कहा कि आप आरबीआई से 28,000 करोड़ ले लिए सरकार में बैठने के बाद दोबारा, क्योंकि मंदी चल रही है, हर सेक्टर डाउन चल रहा है, इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो रही है। चुनावों के दौरान कहा गया 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेकारी की दर बढ़ी है, तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। कुर्सी पे बैठने के बाद उसी रिपोर्ट को छाया किया गया, वही रिपोर्ट जो विपक्ष बोल रहा था, वही सत्य निकली, सरकार ने जारी की। और अभी 4 दिन पहले अमित शाह का बयान सुन लीजिए, वो कह रहे हम नहीं मानते उस रिपोर्ट को। अरे तुम्हारी सरकार की रिपोर्ट है, तुम मानो या नहीं मानो, तुम्हें छाया की है। और तुम आज कहना चाहते हो वो तुम्हारे मुंह पे चपत लगती है, तुम कहना चाहते हो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं। और हंगर इंडेक्स की क्या हालत हो रही, हालात बहुत बुरी है, चाहे वो बेकारी का मामला है। नए रोजगार तो जनरेट हुए नहीं, 2 करोड़ हर रोज का मतलब था 10 करोड़ रोजगार 5 साल में जनरेट होने चाहिए थे, तो नए रोजगार जनरेट नहीं हुए जनाब। 10 लाख से ज्यादा माइक्रो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री ठप हो गई नोटबंदी के दौरान, और 5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। सरकार ने नए रोजगार पैदा नहीं किए, जिनके पास रोजगार थे उनके छीने गए। सेक्टर्स को बढ़ावा नहीं दिया, सेक्टर्स को मंदी की तरफ धकेला। प्रगति नहीं हुई, मंदी का दौर शुरू हो गया। ये हालात हमारे सामने, इसलिए डिफेंस वाले लड़ रहे हैं तो कोयले वाले लड़ रहे हैं, तो रेल वाले लड़ रहे हैं, तो बीएसएनएल टेलीकॉम वाले लड़ रहे हैं। तो वो भी एक देश की प्रगति थी कि टेलीकॉम सेक्टर सरकार के कंट्रोल में हो, उसका पब्लिक सेक्टर बनाया गया, आप उसको पीरा पूरा का पूरा नाश्ता। अभी मैं डाइस पे बैठी थी तो मित्रावासु मेरे कान में बोल रहे थे, कॉमरेड अभी अभी खबर आई है बीएसएनएल के साथ 35 की लिस्ट बना के सरकार ने निर्णय ले लिया कि इनको बिल्कुल ताड़ी पार कर दो, इन सेक्टर को फिनिश कर दो। ये सब क्या हो रहा है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देश को बनाने का काम जिन्होंने किया, आज उन्हीं के ऊपर हमला है। और इसलिए हर सेक्टर को जो बचाने की लड़ाई है, एक किस्म का देश को बचाने की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भूली नहीं हूं, मैं छात्र नेत्री थी उन दिनों में, चिली में राष्ट्रपति अलंदे चुनाव जीते, बहुत पॉपुलर थे पूरे लैटिन अमेरिका में क्यूबा के बाद, और अचानक उतना पॉपुलर प्रेसिडेंट मिस्टर अलंदे, सडनली हम क्या सुनते हैं कि उनके राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया है, और अलंदे अपने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले और उनके ऊपर ऊपर से हमला किया गया है, उनका कत्ल किया गया, आर्मी में कू कराया गया, और उसके बाद वहां पर जो बैठा डिक्टेटर, अभी हाल में उसकी मृत्यु हुई। 30 साल तक चिली की जनता ने 30 साल से भी ज्यादा कष्ट सहा है। मैं भूली नहीं, मैं क्यों इसका जिक्र कर रही हूँ, इसका जिक्र इस कर रही हूँ कि बाद में इतिहास के पन्ने खुले, और पन्ने खुलने से पता लगा कि जो चिली के अंदर, चिली देश के अंदर, वहां पर टेलीकॉम सेक्टर को, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखने वाली कंपनी थी, वो फौजों के अंदर विद्रोह करके उस सोशलिज्म में यकीन करने वाले अलंडे की
हत्या करने में शामिल थी उस कॉन्स्पिरेसी में। और वो कंपनी किसकी थी? वो अमेरिका की प्राइवेट एक निजी कंपनी थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, जिसने पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कब्जा कर लिया था, जिसको एक एक पल की खबर थी राष्ट्रपति भवन की और कैबिनेट की और इसकी, और कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है। और एक मुल्क की हुकूमत को एकदम गिरा दिया गया और एलएनडे का मर्डर किया गया। हम तब भी बोलते थे कि टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, पर इन्होंने पब्लिक सेक्टर बनाया तो हमने कहा ये पब्लिक सेक्टर सुरक्षित रहना चाहिए। और आज ये एक एक करके हर सेक्टर जो इस देश की इकोनॉमी के लिए, विकास के लिए जरूरी है, चाहे बैंक्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ऑयल सेक्टर हो, चाहे रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, लोगों का घूमना चाहिए, बिजनेस का विस्तार चाहिए, उस सब के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा जरूरी है, ये सेवाएं जरूरी है किसी भी देश की प्रगति में, उसकी विकास में। इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसी सेक्टर के ऊपर हमला। अभी भी एयर इंडिया का खरीदार नहीं मिला, लेकिन अब इन्होंने कह दिया हम 100% बेचेंगे। पहले बोलते थे 40% शेयर बेचेंगे। आप सरकार निर्णय ले चुकी है, हर पब्लिक सेक्टर में सरकार अपने शेयर 50% से नीचे ले आएगी। जब 50% से नीचे ले आएगी तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, वो पब्लिक सेक्टर होगा ही नहीं, अल्टीमेटली वो निजी हाथों के अंदर जाएगा। तो आप इस तरीके से बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हैं, आपके देश को बारूद के ढेर पे बैठा दिया गया है, बिल्कुल वोलेटाइल सिचुएशन पैदा कर दी गई है। और इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, हम तो तेल नहीं एक्सप्लोर करते थे, हमारे देश के अंदर क्रूड ऑयल कहीं भी एक्सप्लोर नहीं हो रहा था। पंडित नेहरू तो अमेरिका के पास गए थे एक्सप्लोरेशन में, हमारी मदद करो, हम दुनिया के ऊपर तेल के मामले में निर्भर नहीं रहना चाहते, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, डैम्स बनाने में हेल्प करो, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे, पावर अपनी जनरेट करेंगे, तभी तो हम हैवी इंडस्ट्री बनाएंगे, तभी तो हम मीडियम इंडस्ट्री बनाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और फिर छोटे सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका ने तो ठंडा दिखाया था। और आज के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आप जानते ही हैं। उस समय के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि तुम नहीं मदद करते मत करो। और ये टाटास, बिड़लास एंड कंपनी, इनका बॉम्बे ग्रुप कहलाता था, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया और ठेंगा दिखाया। और फिर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बेसिक हैवी इंडस्ट्री तो बनाना है, अपना बेस नहीं बनाएंगे तो आजादी को कैसे महफूज रखेंगे। ये स्वतंत्रता आंदोलन की कोई नई सोच नहीं थी, ये आजादी से पहले की सोच थी। प्लानिंग कमीशन बनाया गया था देश की आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन देश की आजादी से पहले भी एक प्लानिंग का सिस्टम आजादी के बेला के ऊपर डिस्कशन भी आया कि आजाद करने के बाद हम देश को बनाएंगे कैसे। उस समय ये सारी चीजें सोची गई कि किस तरीके से इस देश में इन्वेस्टमेंट के जरिए से इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सेक्टर्स में प्रगति की जाएगी। और उसी में ही ये भी निर्णय फिर हुआ कि पब्लिक सेक्टर बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी की उस समय की जो पार्टी है उसका नाम भारतीय जनसंघ पार्टी था, आज उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर टूथ एंड नेल विरोध किया। उन्होंने कहा सिर्फ मार्केट्स को तरजीह होनी चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। इसीलिए वो हमारे बैंक राष्ट्रीयकरण का हमेशा विरोध करते आए, इंश्योरेंस सेक्टर के राष्ट्रीयकरण का विरोध करते आए, कोल सेक्टर के राष्ट्रीयकरण का विरोध करते आए, हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन का विरोध करते आए, हमारे डिफेंस सेक्टर की गवर्नमेंट सेक्टर में प्रगति का विरोध करते आए। मैं किस किस सेक्टर का आपको नाम लूं, हर सेक्टर के अंदर इनका विरोध था, क्योंकि ये इस बात में यकीन करते थे गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, सरकार को किसी चीज में दखल नहीं देना चाहिए, सब कुछ बाजार अपने आप करेगा। आज उसी नीति के ऊपर कुर्सी पे बैठने के बाद ये चले हुए। इसलिए गलत फहमी मत रखिए, लड़ाई लंबी होगी और लंबी लड़ाई आपको लड़नी होगी, और ये मान के लड़नी होगी कि आपके पुरखों ने इस देश को बनाने में रोल अदा किया,
उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने की एक दिशा दी। आज आपकी पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी है, जो उन्होंने अचीव किया उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसको बचाने की लड़ाई आप लड़ेंगे तो ही अगली जनरेशन आपको सल्यूट करेंगी और सलाम करेंगी कि आप लड़े थे। जितने बचा पाए बचाए, जो नहीं भी बचा तो वो जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी वो आपकी प्रेरणा से फिर से वापस जिस दौर में आपकी लीडरशिप बैंकिंग सेक्टर को लाई वो वापस खींच के उसी जगह पर लेकर के आएगी। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि सरकार ने बैक गियर पे लगाया, वो प्रधानमंत्री तो ये बोल के आ गया तुम नहीं मदद करते मत करो, लेकिन ये प्रधानमंत्री वहां जाके बोलता है ट्रंप सरकार अगली बार, ये ट्रंप का चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं नरेंद्र मोदी वहां पर। कहां पहुंचा दिया है हमारे देश को कि आप दूसरे देशों के चुनाव प्रचार में एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री शामिल होता है जाकर के, ये बहुत ही दुख की बात है, कष्ट की बात है हमारे देश के लिए। बहरहाल मेरा आपसे ये कहना है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हमने किया, 23% हम आत्मनिर्भर हुए, आज हमारी सारी की सारी ऑयल कंपनियों के ऊपर तलवार लटकाई हुई है। हमारी जो HPCL थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा ONGC में शामिल कर दिया गया था। ONGC पब्लिक सेक्टर दूध देने वाली गाय कहलाती थी, सरकार को बहुत कमा करके देती थी। उस ONGC की इन्होंने ऐसी दुर्गत कर दी है कि वो बहुत घाटे में चली गई है। अब हमारी जो भारत पेट्रोलियम है, अचानक एक दिन कर्मचारी उठ रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि BPCL का भी निजीकरण किया जा रहा है, उसको भी बेच दिया जाएगा। और फिर साथ में मीडिया में प्रचार चढ़ाया जाता है, ये भी याद रखिए, आपको पीटने के लिए भी कई कई दिन पहले मीडिया में प्रचार चलाया जाता है। पूरे देश के अंदर आज से 15-20 साल पहले प्रचार चलाया गया, पब्लिक सेक्टर बेकार होता है, गवर्नमेंट सेक्टर बेकार होता है, ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये निकम्मे है, ये बाहर निकल के गप लगाते हैं, बार बार चाय पीने जाते हैं, बाहर निकलते हैं बीड़ी सिगरेट फूंकते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी पर्क्स ले रहे हैं, बेचारा गरीब सड़क पे है, उसको मिनिमम वेज नहीं है, उसको पेंशन नहीं है, उसका बेनिफिट्स नहीं है, उसकी महिला को मातृत्व लाभ नहीं है। ये देखो बहना अच्छी सी साड़ी सूट पहन के जाती है, बैंक की नौकरी करती है, मटर्निटी बेनिफिट लेती है, अपनी डोमेस्टिक भाई से काम कराती है, और फिर भी ये बायपार्टाइट सेटलमेंट मांगते हैं। काहे को मांगते हैं, क्यों मांगते हो भाई पैसा? मैं भूली थोड़ी हूँ कि जो पिछले प्रधानमंत्री थे उनके पास मैं डेलीगेशन लेके गई थी आपका, मैं उस डेलीगेशन में साथ थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या कहा हमें, जब उस समय डीनेशनलाइजेशन की बात हो रही थी और साथ में हम कह रहे थे कि ये होने नहीं देंगे और बाईपार्टाइट सेटलमेंट करो, तो प्रधानमंत्री ने मालूम है हमको क्या कहा कि ये तो बहुत अच्छे पे पा रहे हैं, अरे अबंडन कर देना एक बार का बाईपार्टाइट सेटलमेंट। तो मैंने कहा गारंटी करते हो? बोले बेचारी आंगनवाड़ी को नहीं मिलता, वो मिलता नहीं है, बाकी आशा वर्कर को नहीं मिलता, फलने को नहीं मिलता, उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है, ये सारे लीडर्स बैठे हैं, आपके बैंक यूनियंस के लीडर मेरे साथ थे उस वक्त, तारा केशवर जी जिंदा थे, मैंने कहा ये सब लीडर्स बैठे हैं, मैं अभी इनसे प्रॉमिस लेके देती हूँ और ये जाकर के अपने कर्मचारी को मना लेंगे और समझा लेंगे कि हम 1 रुपया अभी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है मत बढ़ाओ, लेकिन अभी के अभी यहाँ राइटिंग में दो, जो ये पैसा अबंडन करेंगे भाई पार्टाइट अपनी गिव अवे करेंगे, इस बार की हॉलीडे ले लेंगे उसके, वो सारा का सारा पैसा कितना बचेगा बताइए, और वो सारा का सारा पैसा इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो सामाजिक सुरक्षा है उसमें आप लगाएंगे, उनकी पगार बढ़ाएंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे, उसके लिए आप लिख करके दीजिए तो मैं इनको अभी आपके सामने ही मनाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रधानमंत्री हंस पड़े, ऐसा कोई होता है कोई लिख के देता है? तो मैंने कहा ऐसा कोई होता है कि आप कह दें और मैं मान लूं? जो नहीं होता, और इसलिए हमें कोई गिल्टी कंसाइंस नहीं है कि हम अच्छा वेतन पाते हैं, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज अच्छा वेतन पाते हैं, कोई गिल्टी कंसाइंस नहीं है हमको। इस देश के अंदर वेतन अच्छा नहीं था, उसकी लड़ाइयां लड़ी गई, जद्दोजहद की गई, उसके लिए सेटलमेंट्स लिए गए, उसके लिए सिस्टम लिए गए,
उन सारे सिस्टम्स को लेने के बाद हम इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। इसलिए नहीं कि हमें नीचे धकेला जाए, इस ऊंचाई पे पहुंच के हम ये कहना चाहते हैं हमारे जो नीचे लोग हैं उनको भी अब ऊपर उठाओ, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप पूरा का पूरे सेक्टर की ही तबाही करोगे, इसको हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि हमारी लड़ाई कोई गिल्टी कंसाइंस की नहीं है। आप ये क्यों कहते हैं कि भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए आज हम हड़ताल पे नहीं? हाँ, सही कहा आपने कि नहीं है, पर क्या बाइपार्टाइट सेटलमेंट लेना कोई गुनाह की बात है? गुनाह की बात नहीं है, ये हक है हमारा, ऐसा ही रोजगार सबको मिलना चाहिए। फिर कोई 5,000 में 4,000 में क्या समझती है ये सरकार? हम मांग रहे थे मिनिमम वेज 18,000 को, अनस्किल्ड वर्कर को। 7 पे कमीशन आया इन्होंने सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, जितना ठेके का मजदूर है उसके लिए 18,000 तय किया। यूनियनों ने कहा 26,000 बनता है, आज के महंगाई के सूचकांक पे कमेटी ने कहा 21,000 देंगे, लेकिन सरकार ने नोटिफाई किया 18,000। जब हमने कहा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अदारों में आप 18,000 मान लिए अनस्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए, ये पूरे देश के मजदूर के लिए घोषित करो, सरकार नहीं मानी। उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कहा 9,400 देंगे, हमने कहा हम 18,000 मांग रहे, तुम 9,400 कह रहे, हमें मंजूर नहीं। लेकिन लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी ने पार्लियामेंट में वेज बिल पेश किया, आप तो जानते हैं पिछले सेशन में पेश किया, वेज कोड जो पेश किया, उस वेज कोड को पेश करते हुए क्या कहा उन्होंने? अपनी ही कमेटी की रिकमेंडेशन भी कूड़े में डाल दी और कहा कि 178 रुपए पर डे के हिसाब से 178 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 26 दिन की वेतन काउंट होती है, कितना बनता है 4,628 रुपए। ये सरकार कह रही है इस महंगाई के जमाने में अपने पूरे परिवार को 4,628 रुपए महीना में पालो, पाल लेंगे। मोदी जी आपका तो कोर्ट ही कितने का होता है, हर रोज 3 बार आप बदलते हैं, आप आम मजदूर के परिवार को कह रहे हैं 4,628 और आप क्या समझते हैं कि हमारे को दर्द नहीं है अपने उस मजदूर का जिसके लिए हम लड़ रहे हैं? इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि उस सेक्शन को कहते हैं ये खा गए तुम्हारा, आपको कह रहे हैं देने के लिए पैसा नहीं है। और तो और आपको बताऊं जो BSNL और MTNL को जो रिवाइवल पैकेज है ना, सरकार से पूछा गया कितना पैसा लगेगा इसको रिवाइव करने में, तो सरकार ने कहा 76,000 करोड़ लगेंगे। तो BSNL MTNL की कम से कम 50,00,000 करोड़ प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में, इसकी जो जमीन है, इसके जो इक्विपमेंट्स है, इसके जो टावर है वो 50,00,000 करोड़ के हैं। सरकार से पूछा गया आप कितने में बेच रहे हो BSNL, आपको ग्राहक मिल रहा है कितने का है, तो सरकार ने क्या जवाब दिया? सिर्फ 93,00,000 करोड़ रुपए। 93,00,000 करोड़ में आप 40-50,00,000 करोड़ के आसपास की पूंजी उनके हवाले करना चाहते हैं। ये जो उदाहरण रेलवे का दे रहे थे आपके बैंक साथी कि आपका सब कुछ, आपका प्लेटफॉर्म, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर प्राइवेट गाड़ी तेजस जैसी या दूसरी ऐसी गाड़ियां भागेंगी सिर्फ अपना कंज्यूमर से टिकट बेच के और टिकट लेने की। रेलवे सिवाय आम जनता के लिए बेहतर हो या नहीं, जापान को 1,20,000 करोड़ का ठेका जरूर देना है एक बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और बॉम्बे में चलाने के लिए। ये सब कुछ हो रहा है इस देश में, इसलिए सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर को पीटने का प्रयास है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी इतना बड़ा हमला है, ये मेरा आपसे कहना है। और इसीलिए क्रूड ऑयल के मामले में BPCL को प्रचार क्या किया गया, मैं आपसे कह रही थी ना प्रचार का सहारा लेते हैं, बहुत सहारा लिया गया। उसके बाद आपके ऊपर खूब लेख लिखे गए हैं, उसके बाद फाइनेंस सेक्टर की हालत को सुधारने पे रोज लेख आते हैं, तो एक लेख एक ये भी आया, एक लेख ये आया कि किसी भी हालत में हिंदुस्तान की सरकार से प्ली है, किसी भी हालत में आप BPCL को इंडियन ऑयल को मत बेच दीजिएगा, क्योंकि पता आपको इंडियन ऑयल इन ऑयल सेक्टर की चारों हमारी जो फॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर की उसमें से सबसे बड़ी है।
आपको कह रहे हैं बैंकों का कंसोलिडेशन करना है, इसलिए मर्जर करना है, ये मजबूत हो जाएगा, फिर निजीकरण नहीं होगा, मजबूत होगा तो इकोनॉमी में मदद करेगा। और जब ये कहा जा रहा है कि बीपीसीएल को प्राइवेट हाथों में मत दो, भारत पेट्रोलियम को करना ही है तो आईओएल में मर्ज करो, तो कह रहे ना 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 ना, आईओएल बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, वो ज्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी, तो ज्यादा बड़े बैंक हो के तुम कह रहे हो मजबूत हो जाओगे तो वो आईओएल में बीपीएल घुस जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आपको क्या तकलीफ है जी, वो तो फिर मजबूत होगी। लेकिन आर्गुमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।